ये आप लोग देख सकते हैं अभी बारिश वगैरह रुक गई है और इतना अचानक से धूप कर रहा है। और हमारी गुन्नू दिख गई, गुन्नू हमारी सो रही है, वो देखिए दिख रहा है कि आप लोग को, एक मिनट दिखाती हूँ। गुन्नू वो देखो कितने अच्छे से सो रही है, उसे भी अच्छा लग रहा है ना धूप धूप में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजनास व्लॉग। अंजनास व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी बच रहे हैं दोपहर के 2, मतलब सुबह का सारा काम निपटा के अभी फ्री हुए हों और मैं अभी खाना खाने आ रही हूँ। और आप लोग को पता है इतनी तेज़ इधर बारिश हुई है ना, और बहुत तेज़, मतलब एकदम बादल सब गरज रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर में ही गाज गिर रहा है टाइप से, बहुत ही ख़तरनाक। और अभी देखिए बारिश एकदम अचानक से रुक गई और धूप अभी करने लगा, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या है वेदर। और इधर देखिए पूरा इधर कीचड़ कीचड़ हो गया इधर पूरा। अच्छा हुआ कि मम्मी का क्या बोले, अच्छा क्या हुआ लीप डालती हैं, जब मम्मी के साथ ऐसा अक्सर होता है कि मम्मी जब भी लीपती हैं ना आंगन तब बारिश हो जाती है। और इधर देखिए हमारा बगान, ये इधर ही मक्का वगैरह, पिछले बार मैंने दिखा था ना मक्का वगैरह लगाए हैं, तो वही मक्का सब हो गया है, तो मम्मी से तोड़ के यही लाई थी और सुबह उसी को भूंज के खा रहे थे। और ये इधर तो ये पैशन फ्रूट वगैरह पक गया है, ये ही भगवान इसे छूते के साथ ही मेरे हाथ में आ गया, अच्छा है तो इसे मैं खाऊंगी। और वैसे मैं ढूंढ ही रही थी सुबह, लेकिन थोड़ी बिजी थी इसलिए मैं खा नहीं पाई थी। और ये बहुत हेल्दी होता है खाना, और इसका बेनिफिट तो मैं आप लोग को बता ही थी, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग मेरे फैशन फ्रूट वाले व्लॉग में जाके देख लीजिएगा, या तो आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो इसके फ़ायदे आप लोग को दिख जाएंगे। और मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, और ना मतलब क्या बोले, हाँ इसका ढक्कन ही खुल गया, मतलब समझ सकते कितनी ज़ोरदार बारिश हुई थी, बहुत कस के हुई थी भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश रुकेगी, बट गॉड ग्रेस रुक गई। हम लोग भी यही सोचे थे कि आज मार्केट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं जब से ससुराल आई हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि एक दो बार बस चन्ना मार्केट गई होंगी, उसके बाद कभी ऐसा जाने ही नहीं हुआ। तो आज प्लान बनाया था, बाबू भी बड़ा हो गया तो बाबू को भी लेके जाएंगे वाला, तो और चलो देखते हैं इधर क्या क्या, आप लोग उसे क्या बोलते हैं चीज़ दिखाती हूँ। ये जो इधर दिख रहा है बड़ा बड़ा, बहुत सारा हुआ है, हम लोग तो इसको भुईरा और रक्षा ऐसे ही बोलते हैं ना, जिससे बरी वगैरह बनाते हैं उड़द दाल के साथ में, इसको कद्दूकस करके, इतना सारा हुआ है ना कचड़ा, जैसे कि क्या बताऊँ, मम्मी परेशान है, बांट बांट के भी थक गई है, कैसे ख़त्म करे वाला दिखाती हूँ आप लोग को। ये देख इतना सारा हुआ है ना, और तो अभी तो पूरा मौसम खुल गया, हम लोग तो सोचे थे कि पता नहीं, फिलहाल आज वेनसडे है तो आज यहाँ पे मार्केट लगती, तो हम लोग सोचे थे कि जाएंगे मार्केट, और तो बस रेडी ही थे, लेकिन सडनली फिर वही बारिश शुरू हो गया। वैसे बादल वादल तो सुबह से ही करा था, पता थी कि बारिश होगी, लेकिन हमारे जाते टाइम ही बारिश होगी ये नहीं पता था, तो उस वजह से जा नहीं पाया। तो अभी देखते हैं खाना वाना खाते हैं, उसके बाद अगर ऐसा ही रहा कुछ देर तक, आधे घंटे तक भी ऐसे रहा, मतलब अब तो गिरेगा नहीं, एकदम खुल ही गया है, तो मे भी जा सकते हैं। मम्मी पहले ही चली गई, मम्मी को मोनू छोड़ दिया, एक्चुअली हम लोग सब लोग साथ में जाने वाले थे, तो फिर उसके बाद अब जाएंगे, थोड़ी देर में खाना वाना खा लेते हैं। अभी बाबू भी सो गया है, पूरा दिन भर खेला है, ठीक है, अंबिकापुर में तो उसका मतलब शेड्यूल था खेलना सोना खेलना सोना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना उसके साथ खेलने के लिए, तो दिन भर खेला, फिर अभी जाके उसको ज़बरदस्ती सुलाना, तब जाके सोया, वो उठेगा तो फिर हम लोग जाएंगे मार्केट, फिर आप लोगों को भी सन्ना की मार्केट घुमाऊंगी, ठीक है। तो चलो मैं अभी फ़िलहाल खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी है। चलो तो मेरा लंच हो गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना पता है एकदम भूख लगती है ना, तो भूख से मुझे एकदम हेडेक होने लगता है। और ये जो बारिश, बारिश का तो पूछो ही मत, जो होना शुरू हुई 12:30 बजे से, हाँ 12:30 बजे से ही बारिश शुरू हुई है और 2 बजे जाके रुकी है, तब तक मैं वेट करती कि कब बारिश, मतलब बाहर निकलने के लिए इतना डर लग रहा था ना कि कहीं मेरे ऊपर ही गाज ना गिर जाए वाला, तो इसलिए मैं बारिश के रुकने का वेट कर रही थी, इसलिए आज थोड़ा लेट भी हो गया खाने में। तो अभी
खाना तो हो गया, अब ये पैशन फ्रूट खा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर लल्ला उठ गया होगा तो जाएंगे, अदरवाइज वैसे मेरा खाना तो हो गया, मैं पैशन फ्रूट खाती हूँ, खाने के बाद फ्रूट्स खाना ज़रूरी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि क्या ही बताऊँ। ये दिखने में थोड़ा सा ऐसा दिखता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पहले मैं इसे स्टार्टिंग में देखी ना तो मैं बोलती हूँ ये कैसे दिखता है करके, लेकिन खाने में बहुत लाजवाब, यम्मी, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। ये लीजिए। ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लेता टाटा, बाय, सी यू सून।